गाइस तुम लोग फालतू में परेशान हो रहे हो, कोई नहीं है वहां पे। लगता है किसी की जान खतरे में। मेरा यकीन करो, मैं हूं ना, तुम मेरी आंखों में देखो प्लीज, तुम्हारा सारा का सारा डर निकल जाएगा प्लीज, मेरी आंखों में देखो। मैंने कहा कौन है वहां पर, मैं कहता हूं कौन है वो, बाहर आओ, कौन है वहां पर। हेलो सर। हेलो। हेलो मैम, आप लोग अंदर चलिए, मैं सामान लेकर के आता हूँ। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते साहब। नमस्ते मेम साहब, मेरा नाम शन्नो है और मैं यहाँ की देखभाल करती हूँ। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो आप मुझे याद कीजिए। नहीं, फिलहाल किसी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना करो कि हमारा सामान अंदर रखवा दो। पहुंच जाएगा,
वैसे आप लोग खाने में क्या लेंगे? फिश, चिकन या मीट? नहीं, हम प्योर वेजिटेरियन हैं और जब तक हम यहाँ पर रहेंगे सिर्फ प्योर वेजिटेरियन खाना बनेगा। ठीक है, जब तक आप लोग यहाँ हैं तब तक। चलो जय। सर ये आप लोगों का रूम है, आप लोग फ्रेश हो जाइए, तब तक हम लोग आपके नाश्ते का बंदोबस्त करते हैं। थैंक यू जी। सुनो बेटा, अरे सुनो, पांच जंगल में बच जाओ, ठीक नहीं है, सुनो। सुनो, ये बच्ची कहां चली गई? कौन है वहां पर? मैंने पूछा कौन है वहां? देखो सामने आओ, मैंने कहा सामने आओ। मैंने तो मुझे डरा ही दिया था। और बेटा तू अकेले जंगल में कर क्या रही हो? और बेटा तुम्हारे मम्मा पापा कहाँ हैं? हाँ? और मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। हम जंगल से बाहर चलते हैं, फिर तुम्हारी मम्मी पापा को ढूंढेंगे। बेटा रो मत, मैं हूं ना साथ में, मैंने कहा ना मैं तुम्हारे मम्मा पापा को ढूंढूंगी।
कौन हो तुम और वो बच्ची कहाँ गई? आपको किसी ने बताया नहीं ये काले घने जंगल में कितना खतरा है? क्या कर रही हैं आप यहाँ? देखो ना मैं इस जंगल से डरती हूँ और ना के जंगली जानवरों से। मुझे यहाँ रहने की आदत है। जंगल और जंगली जानवरों से डर नहीं लगता होगा, लेकिन जो यहाँ है उससे लगेगा। वो उन सबसे ज्यादा खतरनाक है। कौन है यहाँ पर? किसकी बात कर रहे हैं आप? आपकी भलाई इसी में है कि आप जल्द से जल्द यहाँ से वापस लौट जाएं, वरना कुछ भी हो सकता है। सिर्फ पछताना होगा, जैसे मैं। ये कहाँ चला गया? जया, सुदीप, तुम यहाँ अकेले? नहीं सुदीप, वो बच्ची, छोटी बच्ची, वो आदमी, सुदीप, वो बच्चा आदमी, क्या बात कर रही हो तुम? मैंने देखी, मैं जिसका पीछा करती हुई आई, छोटी सी बच्ची है वो, सुदीप उसकी मम्मी पापा भी उसके साथ नहीं है सुदीप, प्लीज हमें उसे ढूंढना होगा सुदीप। काम डाउन। अच्छा, तुम दोनों कोई भी बच्ची अगर जंगल में मिलती है तो फौरन हमें रिपोर्ट करो। जया, हम भी घर वापस चलते हैं, इन्हें जैसे कोई बच्ची मिलेगी हमें तुरंत बता देंगे। टेंशन मत लो, तुम चलो। चलो चलो, सिर्फ एक पोस्टिंग की बात है जया, इसके बाद मैं वादा करता हूं कि फिर कभी तुम्हें ऐसी जगह नहीं लाऊंगा। मैं जानता हूं कि तुम्हें ये जंगल, ये सन्नाटे बिल्कुल पसंद नहीं। इसके बाद मैं किसी ऑफिस में पोस्टिंग ले लूंगा। शादी से पहले तो तुमने सुदीप यही कहा था ना, फायदा क्या हुआ? शादी के बाद लेकर तो तुम मुझे जंगल में ही आए हो। सुदीप तुम नहीं समझ रहे हो, जब से मैं इस जंगल में आई हूँ ना मुझे अजीब सा फील हो रहा है, अजीब अजीब चीजें हैं यहाँ पर। मैं जानता हूँ, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। यहाँ का ऑफिसर अचानक गायब हो गया, वैकेंसी फिल करने के लिए ऊपर से ऑर्डर आ गया, इसलिए तुमने प्रॉमिस तोड़ दिया सुदीप। लोग सुदीप, मैं तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहती हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ ये समझाना चाहती हूँ कि मैं शहर में पली बड़ी हूँ, लोगों के बीच नहीं हूँ मैं। इस जंगल का सन्नाटा मुझे काटने को दौड़ता है सुदीप, क्यों नहीं समझ रहे हो तुम? लोग, मैं यहाँ नहीं रह सकती, कल तुम सुबह ड्यूटी पर चले जाओगे कौन रहेगा मेरे साथ? बोलो, अकेली पड़ जाऊंगी मैं, बिल्कुल अकेली। तुम अकेली नहीं हो, हर पल मैं हूं तुम्हारे साथ। और घबराओ मत, हम जल्दी यहां से चले जाएंगे। मेम साहब, खास आपके लिए बनाया है। क्या हुआ जया? सुदीप, मुझे कीड़े, मुझे कीड़े। सैलेड ही तो है। सब कि क्या किया आपने? इतने प्यार से मैंने बनाया था और आपने सब गिरा दिया। Are you okay, जया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है सुदीप। I think I need rest. Jaya.
इतनी रात गए ये बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं? रुको, जंगल में कहाँ जा रहे हो? ये लोग कौन है? यहाँ इतनी रात में कर क्या रहे हैं ये लोग? ए रुको, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? देखो ये करना बंद करो वरना मैं शिकायत कर दूंगी तुम तीनों की। ये सब बंद करो, मैं कुछ कह रही हूं। देखो मैं कह रही हूं ये सब बंद करो, सुनाई नहीं देता क्या? Ugh.